होशियारी जो होती है वो किसी भी एज में आ सकती है या एक एज होती है उसमें खत्म हो जाती है। बात सीधी करो, आप थप्पड़ खाने वाली बातें कर रहे हैं। यार तुम बंदा क्या है तू भाई, कभी आपको किसी ने कहा आपका मोबाइल रुकता है? हाँ बड़ी दफा। कभी किसी ने आपको डेंगू मच्छर कहा? यार डेंगू मच्छर मेरे तो निशान बने नहीं, ये टिक लग गए इनकी, डेंगू मच्छर क्यों कहना है? दिखाएं किधर? क्या वो यार होते हैं उसके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख कासिम है और आप देख रहे हैं MYK पे मेरा प्रोग्राम वो वाला शो। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, इन्हें किसी ने बल्कि ना किसी को भी इन पे कोई नाज नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं सखावन नाज। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक हूँ। तो ठीक ही होना जी, तुहाडे च केड़ा लहरा आउंदी है? तुहाडा एंटीना हिलाना पैंदा फिर ठीक हुंदे। ठीक ही बैठे हो, कसो गल की है, विचो गल नबेड़ो विच? मतलब हां मुझे बताएं ना, बड़ी दफा क्यों आपको मैं क्यों बताऊं, कोई वजह है इसकी जो मैं आपको बताऊं? कोई मतलब हो ना, कोई ऐसा बंदा नज़र मुझे आए जिसको बताना मुझे लगे कि ये ज़रूरी है तो मैं उसको बताऊं? मैं होस्ट हूं ना प्रोग्राम का होस्ट। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ चलो चलो, होस्ट भी इट पुटो होस्ट निकल आते हूँ, होस्ट पुटो तो इट निकल आती जी। करें बात, आप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं जो ईंटें जी आप पुट रहे हैं? कि थोड़े मत्थे च मैं सीमेंट मारे है या सरिया थोड़े लत्त च पा दिता है, की वजह की? नहीं वो तो सरिया सुरिया नहीं मारा, ऐसा नहीं आपने किया, मगर वो ना कभी कभार हो जाता है। तो एक चीज मुझे बता दें जी जी। चले प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है। हाँ, पूछ ले। हाँ, एक ही पूछनी है। नहीं नहीं एक नहीं, प्लीज प्लीज, वो शो करना है तो मैंने ना अच्छा, सवाल बनाए हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आटे का सवाल तो नहीं? नहीं नहीं, पेट्रोल का तो नहीं? नहीं नहीं, किसी चीज का नहीं करना क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा होगी। आप बस सीधी सीधी बात करें, आपको भी महंगाई लगती है? मुझे भी तो लगनी है, मैं नाइजीरिया से आया हूँ, मुझे नहीं लगेगी? अच्छा नाइजीरिया कहाँ पे है? उसे जाना होता? नहीं आपने नाम लिया, पहले कभी नाम नहीं सुना होता। अच्छा मैंने भी नहीं सुना, मैंने अचानक बात की। अच्छा ये जो सलीम अलबेला साहब है, ठीक है, मुझे शक है वो ना आपके कोई जुड़वा भाई हैं जो कि कुंभ के मेले में गुम हो गए, क्योंकि सेम हाइट है, सेम शक्ल है, सेम नाक है, सेम पतले हैं आप दोनों, क्यों एक जैसे क्यों मिलते हैं आप? ये असल में बात आपने बिल्कुल बकवास की है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा भाई तो नहीं है लेकिन दोस्त भी है, कज़न भी है, हमारी स्ट्रगल इकट्ठी है। सलीम अलबेला बहुत अच्छा फनकार है और उसके साथ हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि काफ़ी शक्ल मिलती जुलती है, लोग कभी कभी मुझे सलीम अलबेला समझ लेते हैं और सलीम अलबेले को सखावत नाज समझ लेते हैं, तो मेरे ख्याल में ये हम दोनों का फ़ायदा है इसमें। अच्छा 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 अच्छा, आप दोनों के अब्बू का नाम एक तो नहीं है? नहीं एक नहीं है। पक्की बात है? हाँ पूछे आपने उनसे? हाँ जी पूछे। चलें ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताया बचपन में तब भी इतनी छोटे थे या फिर तब थोड़े बड़े थे? नहीं मैं एडे पैदा हुआ ऐसे। तो यार सारे छोटे पैदा होते हैं, बाद में बंदा बड़ा होता है, कुछ ज्यादा बड़े हो जाते हैं कुछ थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, आप थोड़े बड़े हुए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ना अपने बचपन का कोई ऐसा कोई वाक्या सुनाए जिसपे आपको ना जहनी टॉर्चर हुआ, कुछ आप ऐसे कुछ हुआ हो आपके साथ कि आप कॉमेडियन बन गए? एक मुझे वाकया याद है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरा एक मॉनिटर था जो सबको मतलब बच्चों को कंट्रोल किया करता था, गैप की मतलब उनको समझाया करता था, कभी कितार लगवानी, कभी कान पकड़वानी, कभी सबक सुनना, तो वो एक था, उसको मैंने बहुत मारा था। अच्छा उसके साथ फिर क्या हुआ? मारा, इतना मारा था, भला क्यों मारा था ये? क्यों, क्यों? वो आपकी तरह बोलता था, खुश इखलाक था? खुश इखलाक नहीं था, चुप इखलाक था, खिंच इखलाक था, वो उसकी बात को ना एक क्वेश्चन पूछता था तो उधर से छुट्टी हो जाती थी। यानी वो इंटेलिजेंट था बहुत? जी जी इंटेलिजेंट था जुबान की तरफ से। यस यस, मैंने सुना जब आप छोटे थे बचपन में आप किसी की भी गोद में बैठ जाते थे, बात ठीक है? हाँ ये लाडला था ना, मैं पूरे खानदान के सभी मुझे मोहब्बत करते प्यार करते थे, सभी उठा के फिरते रहते थे। खानदान से बाहर कोई भी बंदा मिलता था आप उसकी गोद में बैठ जाते? यार की होया क्यों भाई की गल, मैं मतलब कि ढोला वाले का बच्चा सी जिहड़ा मैं हर बंदे की गोद च बहिंदा फिरदा सा। कासम साहब कोई इंटरव्यू वाली गल करिया करो, तुहानूं मैं अगे भी समझाया सी। ओके 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 ठीक है। अच्छा अच्छा आप ना आपको तो याद होगा, आप भी रहते होंगे
बचपन में एक चीज होती है चूसनी, ठीक है, वो किस किस काम आती, वो क्यों यूज होती है? वो होती है मतलब चूसनी, बच्चा जब रोता है तो उसके मुंह में वो डाल देते हैं, क्योंकि उसने दूध तो पिया होता है लेकिन फिर उसको ये लगता है कि मैं फिर दूध पी रहा हूँ, इसलिए उसके मुंह में दे देते हैं ताकि उसका पेट भी ओवर ना हो, उसकी डोज भी ओवर ना हो, तो वो उसके मतलब उसको ये भी लगे कि वो दूध पी रहा है। तो फिर आपकी शक्ल चूसनी से क्यों नहीं आती? ये असल में ना वो सामने चूसनी होती थी तो इधर मैं होता था, तो दोनों की एक दूसरे को जैसे सलीम अल बेला और मैं मिल गए, इसी तरह चूसनी और वो मिल गए। आपने कभी गुल्ली डंडे के साथ खेला है? जी 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 खेला है ना जी। तभी आपका मुंह भी गुल्ली जैसा है। डंडा कहाँ गया? डंडा तो लगा, टोल मार के गुल्ली फेंक दी ना उसने, डंडा अपने घर में, गुल्ली मेरे सामने बैठी हुई। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि होशियारी जो होती है वो किसी भी एज में आ सकती है या एक एज होती है उसमें खत्म हो जाती है? मतलब किस होशियारी की आप बात करना चाहते हैं? जिससे आप कहते हैं ना बड़े होशियार हो तुम, चलाक होशियार। अच्छा वो बात सीधी करो, आप थप्पड़ खाने वाली बातें कर रहे हैं। असल में ये ना बंदा कोई तो बचपन से तेज होता है, इसको शरारती को तेज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं कि बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा माशाल्लाह फास्ट है, इसको ये भी कहा जाता है। ये तो किसी के बचपन में ही होती है, जेंस में होती है, तो कोई बड़ा हो के हालात से लड़के, हालात से टकरा कर कोई प्रैक्टिकल करने के बाद तेज होता है। अच्छा इतनी लंबा जवाब मुझे तो समझ में नहीं आया। अच्छा आपकी बात भी मुझे समझ नहीं आई। हाँ अच्छा ये आपके जो है ये जूते ये पीले कैसे पड़ गए? असल में ये इसको जब पता चला ना, मैं कासम के पास जा रहा हूँ, भाई कासम हमारे जो होस्ट हैं, तो इसको गुस्से में पीले हो ये नीले थे घर से जब निकला। ठीक है चलें कोई बात नहीं। अच्छा जो ये खरबूजा होता है इसको कोई बीमारी होती है जो ये पीला पड़ जाता है या वैसे पीला? नहीं इसका कलर ही ऐसा है जिस तरह मतलब आपके ये बने हुए हैं ना छोटे छोटे खरबूजे। हाँ। आप इसी को रेडी पे लगा ले तो आपका काम अच्छा चल सकता है। इसको कहते हैं स्माइली इमोजी, इमोजी कहते हैं, इमोजी। अच्छा ठीक है, तो आप जैसे मोजे भी यहाँ पे लगा लेते होते हैं। हाँ अच्छा मुझे बताएं कि ना आपको ना गर्मियों में ठीक है ठंडे पानी से नहाने का ज़्यादा मज़ा आता है या फिर सर्दियों में गर्म पानी से? यार आपका दिमाग ठीक है, दोनों चीज़ें आप वही पूछ रहे हैं जो परफेक्ट है। मतलब सर्दियों में गर्म पानी से नहाता है बंदा, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाता है, इसमें क्या सवाल क्या है? आप वॉशरूम में बंदा नहाता तो है ही ना। हाँ। आप कभी कभार तो नहाई होंगे ना? मैं रोजाना नहाता हूँ। तो वही ना मैं पूछ रहा हूँ आप, ठीक है सर्दियों में ठीक है जब आप अपने ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं तब आपको ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आप जब सर्दियों में अपने ऊपर गर्म पानी फेंकते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है? सर्दियों में गर्म पानी फेंकने से बंदा अच्छा लगता है, नहाने में मज़ा आता है, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाने का मज़ा आता है। आगे बकवास। हाँ सिंपल आंसर था, कोई ऐसा मसला नहीं था आपको ना। हाँ अच्छा मुझे बताएं कि ना आपका कभी मैंने ना सुना नहीं है किसी ना स्टेज कोई बंदी के साथ कोई अफेयर शफेयर या कुछ ऐसा, तो आपको डर लगता है या फिर आप छुपाते बहुत अच्छे? नहीं मुझे डर ही लगता है, तो अल्लाह ताला ने मुझे वैसे ही बचाया हुआ है और घर में। बेगमों से डर लगता है? किससे डर लगता? नहीं एक ही बेगम है मेरी, उससे डर लगता है। अच्छा। आपने दो तीन शादियाँ नहीं की? नहीं की, एक ही है मेरी शादी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसी में से मेरे माशाल्लाह चार बच्चे हैं, एक बेटा, चार बेटे हैं एक बेटी है। नहीं नहीं कुछ पांच बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कॉमेडियंस की ना दो तीन शादियां होती हैं, बात ठीक है? हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी हैं, लेकिन ऐसे भी काफ़ी लोग मिलेंगे जिसकी सिर्फ एक शादी। तो क्या आपके क्यों नहीं किस्मत, आपको नहीं कोई मिली या आपको किसी ने मुँह नहीं लगाया? मुझे मुँह ही नहीं लगाया किसी ने, यार मेरी जान छोड़ तेरी मेहरबानी भाई, अल्लाह तेरा भला करे। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे बताएं ये जो स्टेज डांसर्स होती हैं ठीक है, ये कॉमेडियन से ज़्यादा अमीर कैसे हो जाती हैं? आपने होना इस तरह ये होती हैं आपने होना? नहीं मुझे बता दें तो ऐसे अमीर होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाई जान खवातीन का काम करना और होता है, उनके चाहने वाले बहुत होते हैं, उनको चाहने वाले मिल जाते हैं, बंदे को चाहने वाले मिलते नहीं हैं। आपको कितनी देर होगी फील्ड में खज्जल होते हुए, अपना मोटरसाइकिल तक नहीं तुम ले सके, चिंची के साथ भागकर सफर करके तुम स्टूडियो तक आते हो, ठीक है? तो ये फर्क है बंदे का और औरत का। हाँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं फिर लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि आपको इतना चाहें कि आप भी अमीर हो जाएं। हाँ ये बात। हाँ, अगर आप हाँ, कर दो तो क्या यस, बात यस, है? ए, ए,
नाज़रीन जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सखावत नाज को भी उसी आधे तो उठ के चले गए, जितने देख रहे हैं आधे तो चले गए हैं उठ के। नहीं नहीं ना अभी भी नहीं गए, जितने लोग भी देख रहे हैं ठीक है, सखावत नाज को उसी तरह चाहें जिस तरह वो दूसरी स्टेज डांसर्स को चाहते हैं। जी जी खवातीन को चाहते हैं, उनको गाड़ियाँ लेकर देते हैं, उनको घर लेकर देते हैं, मुझे भी गाड़ियाँ लेकर दें घर लेकर दें। कोई तो वजह होगी ना, कोई तो चीज़ उन्हें वापस मिलती होगी ना, वो भी आप दे दें। वो आप दें जो मेरी जमानत दे रहा है ना, वो चीज़ आप दें। पैसे आपको चाहिए ना यार, वो डांस दिखाती हैं तो मैं भी डांस दिखा दूंगा। हाँ हाँ यस यस अभी दिखा दें थोड़ा सा। आपसे क्या मिलेगा मुझे, मैं क्यों फ्री में डांस दिखा? लोग हो सकता दे दें वो ना अपनी स्क्रीन से ही पैसे फेंक दे सिक्के। अच्छा आप अपना नंबर दे रहे जिसपे वो पैसे भेज देंगे? नहीं 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 वो अपनी स्क्रीन पे ही फेंकेंगे। चले मेरा जो चैनल है ना सखावत नाज ऑफिशियल उस पे वो पैसे भेज दे, फिर मैं थोड़ा सा डांस दिखा देता हूँ। ये है 1000 रुपए वाला स्टेप, ये वाला तो ये है 500 वाला, ठीक है ये 5000 वाला है, जो अब किसी को पसंद आए वो मुझे पैसे भेज दे। 1 लाख वाला स्टेप भी दिखा दे। 1 लाख वाला फिर खड़ा होना पड़ेगा। नहीं 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 ठीक है आपका स्टूडियो मुनासिब सा है, मैं वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है हाँ नहीं 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 अच्छा नहीं लगता वैसे वीडियो वो। वैसे भी आपने जो सोफे रखे हुए हैं इसका भी मेरा ख्याल अभी रेंट देना है आपने। हाँ 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 अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं, ठीक है आपने ये बाल जो हैं ये मैंने नोट की है, ये क्या आपने कोई पुरानी फिल्मों के हीरो से इंस्पायर हुए हैं या आपको टाइम नहीं मिला बाल कटवाने? नहीं आपने पिछले दिनों में देखा होगा मेरे बाल छोटे थे, अब जब सर्दियाँ आती तो मैं बालों को बढ़ाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि सर्दी का मौसम जो होता है ना वो बाल बड़ा काम देते हैं, आपके दिमाग में ठंड नहीं लगती और फिर आपकी ज़ुबान भी ठीक रहती है। तो गर्मी में बाल कम कर देता हूँ, सर्दियों में ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ। तो आपने यानी टोपी पहनने के बजाय ठीक है कहा कि मैं बाल बढ़ा लूँ? अच्छा यार क्यों लोग टोपी पहनते हैं ना सर्दी से बचने के लिए, ठीक है अच्छा, अब बाल बढ़ा रहे हैं। अच्छा 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 इस बात तो आप हाँ तो ये मैं कह वो तो धूप से बचने के लिए भी कैप पहनते हैं लोग। हाँ 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 तो वो सर्दियों वाली भी टोपी होती है ना। ओके, तो ओके, आपके ओके। बाल जो है वो टोपी की तरह ही लग रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। हाँ हाँ अच्छा मुझे बताइए जब पुलिस पकड़ती है ठीक है तो ये हाथ क्यों खड़े कराती है, क्या वजह? पता नहीं वो हमाम पे लगे होते हो सकता है, हमाम वाले कहते ना ऐसे कर लो तो वो उसी तरह वो तलाशी लेने वास्ते कर देने। तनु पता नहीं अगले वो चेक करते कि इसने कि असला ना छुपाया हो, कोई ऐसी चीज खतरनाक ना छुपाई हो, नशावर चीज ना हो, पिस्तौल ना लगा हो, खंजर ना हो, कहीं ये बंदा वारदात करने ना जा रहा हो, इसलिए उसको सारा चेक करते हैं। मैंने सुना है कि आपको ना अपनी तलाशी दिलवाने में बड़ा मजा आता है। वजह कि मैंने कुतकतारियाँ होंगे जेडे मैं वह मजा लेना यार, कोई गल करने वाली कर तेरी मेहरबानी अभी खजा ना मैनू अभी उठ के ना ये स्टूडियो का मैं तेरा जी बंटियाँ जी रखियाँ मैं तेरे मुँह से मार देनी है सारी। नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे 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 एक चीज़ मुझे बताएं आप ना, ये कोई लोग जो होते हैं अपने बाल खड़े करते हैं हाँ, वो क्यों करते हैं खड़े? क्या वो पता नहीं वो खुद नहीं खड़े हो पाते ना तो फिर बाल खड़े कर लेते हैं आपकी तरह। हाँ 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 अच्छा मुझे बताएं ये ख्वाजा सिराज जो होते हैं ठीक है ये ज़्यादातर नहर पर क्यों खड़े होते हैं, क्या वजह? नहर पर जो नहर ठंडी होती ना उस पे उनको ठंड पड़ती है। आप भी तो उधर ही थे ना। ठीक है नहीं मैं आपसे फर्स्ट टाइम वहीं पे मिला था। मैंने जब मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा तो आप उधर खड़े थे, फिर हमारी मुलाकात हुई तो फिर मैं आपको स्टूडियो ले आया, उसके बाद आप भी एंकर बन गए। तो आप जैसे रात को जब नहर पे देखते तो आप अपनी बाइक क्यों रोक लेते हैं? मैं इसलिए रोक लेता हूँ कि शायद किसी प्रॉब्लम में हो, किसी टेंशन में हो, किसी के लिए आसानी पैदा करो तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है। मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने कहीं जाना है तो मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा कर इनको इनकी मंजिल तक पहुँचा दूँ। इसका मतलब है रात को कहीं भी कोई खातून आपको खड़ी दिखाई देती हैं आप उसके पास रोक के कहते हैं आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? नहीं खातून को नहीं मैं कहता क्योंकि वहाँ से खतरा होता है। अच्छा नहीं कभी कभार नहीं पता लगता ना कि ये खातून है या फिर कुछ? हाँ अगर कोई बुज़ुर्ग औरत हो या बुज़ुर्ग आदमी हो तो उसको ज़रूर मैं रोक के पूछता हूँ कि अंकल आपने कहीं जाना, आंटी आपने कहीं जाना, तो अगर वो कहें तो फिर मैं उनको बिठा के जहाँ तक जाना होता है मैं वहाँ उतार देता हूँ। नहीं नहीं ये अच्छा काम करते। तो ये बाइक पर क्या ये हरकतें क्यों करते हैं, गाड़ी पर क्यों नहीं करते? गाड़ी पर भी करता हूँ। अच्छा ये गाड़ी पर भी कभी कभार बिठा रहते हैं उन्हें? बिल्कुल हटा लेता हूँ। मैं समझ गया। आगे समझ। हाँ जी बस ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे बताया कौन सा जानवर ऐसा है जो कि खड़े खड़े सो जाता है? दुनिया में कौन सा जानवर ऐसा ऐसा? घोड़ा हो सकता है क्योंकि घोड़े को कभी बैठे नहीं देखा। आपने कभी देखा? गधे को देखा वो तो मैंने अभी देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ।
मतलब घोड़े को कोई भी मेरा ख्याल ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने कभी बैठा देखा हो, या कोई होगा जिसने देखा हो? मैंने तो तकरीबन नहीं देखा कभी। नहीं नहीं, हो सकता है आपने ना देखा हो, क्या आँखों में मसला हो। तो मुझे बताया कौन सा जानवर ऐसा है जो कि रात को सोता ही नहीं? शेखा से अभी आपने मुझे बताया था आप पूरी रात नहीं सोए। नहीं, वो उल्लू, उल्लू होता है। उल्लू का, हाँ। उल्लू का एंकर। हाँ, 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 हाँ। तो ये उल्लू में और उल्लू के पट्टे में क्या फर्क? उल्लू का जो पट्टा खींच जाता है ना, ये इंसान के भी पट्टे होते हैं ना, इसी तरह उल्लू का भी पट्टा होता है। अच्छा। तो आपका जो पट्टा खींच जाता है तो लोग कहते हैं उल्लू का पट्टा खींच जाता है। या वजनी कोई चीज उठाता है? नहीं, वैसे वो यूं यूं कर लेता है, यूं यूं तो पट्टा ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है वो, सही बात है, ये अच्छी बात है। छोटा सा सेगमेंट करते हैं, कभी आपको किसी ने ये कहा है राउंड, ठीक है? मैं आपसे पूछूंगा, कभी आपको ये किसी ने कहा है कि आप ऐसे हैं? ठीक है। कभी आपको किसी ने कहा टिड्डी की तरह? नहीं। कभी आपको किसी ने कहा आप अंदर के कीड़े की तरह, जो अंदर होता है बंदे के, वो जो कीड़ा मरता नहीं? हाँ, वो वाला, वो जो आप में भी नजर आता है। जी जी, लेकिन नहीं, मुझे नहीं कहा। नहीं कहा। अच्छा, कभी आपको किसी ने शॉर्ट फिल्म का है? शॉर्ट फिल्म करने का कहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो नहीं किया? नहीं, अभी नहीं किया। तो अच्छी बात है, वो वैसे ही शॉर्ट हो जाएंगे। हाँ, कभी आपको किसी ने मिनी कॉमेडियन कहा है? मिनी नहीं कहा, फुल कॉमेडियन कहा। अच्छा, गलती से कह दिया था या झूठ? ये अब उससे पूछे, अब मुझे क्या पता, मर गया वो। और यार, जिंदा बंदा जा पूछ जाके, तो यार मेरा दिमाग खान ली, मैंने बुठाया थे। अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं बंद कर, मैं नहीं करता तेरा इंटरव्यू। गल करने वाली, यार किन्ने बनाया भाजी इस बंदे नु? हो सकता तुसी अपने पैसे जाया करन दे, महंगे कैमरे ला के तुसी बंदा किहो जे अगे बिठा छड्या जी? और सर प्लीज, तुहाडी मेहरबानी, बंदा बदलो, इत्थे इहदा स्टूडियो बदलो या इहदा प्रोग्राम बदलो तुसी। नहीं नहीं, अच्छा 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 अच्छा, गर्म सीट ते बैठा नु, अब अच्छा अच्छा, मुंह च आलू पाया, अब बाबा अच्छा अच्छा, सीधी बात कर यार, सवेरे सवेरे दिमाग मेरा खान दे तू। सीधी मैं कर, वाइब्रेशन दे लाया अपने आप नु। कभी आपको किसी ने माइक्रोवेव का है? माइक्रोवेव, माइक्रोवेव क्यों कहेंगे? मैं सीटियां मारता हूं यार, तुम बंदा क्या है तू भाई? कभी आपको किसी ने कहा आपका मोबाइल रुकता है? हाँ, बड़ी दफा कहा है। हाँ, हाँ। वो बंदा कौन? वो इस सच बोलने वाला बंदा मैंने मिला, इन्हें मैं जरूर मिला। कभी किसी ने आपको डेंगू मच्छर का है? और यार, डेंगू मच्छर मेरे तो निशान बने नहीं, ये टिक लग गए, डेंगू मच्छर क्यों कहना है? दिखाएं किधर? वो यार होते हैं, उसके होते हैं, मेरे तो नहीं है, मुझे डेंगू क्यों कहेंगे? नहीं नहीं, वो तेल लेना है, तेल। आपको कहीं कभी किसी ने वटा डड्डू के है? हाँ, नहीं नहीं ना किया। हुण जिहड़ा बंदा मिलेगा मैं उन्हें कहांगा, नाज़रीन अज तो बाद तुसीं इहनूं वड्डा डड्डू कहना जी, वड्डा डड्डू टोया टप्पे टप चिट्टे डड्डूआ, वड्डा डड्डू टोया टप्पे टप चिट्टे डड्डूआ, कह के वखा मैं डड्डू टिट्टे टिट्टे, वड्डा डड्डू टोया टप्पे टप चिट्टे डड्डूआ, वड्डा टट्टू टोटा टट्टू वड्डा टट्टी वड्डा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब भाई मैनू भी ना फड़वा दे, मेरे चाड़ वाले भी बैठे ने, वड्डा डड्डू टोया टप्पे टप वड्डा डड्डूआ, वड्डा टट्टू टोया टप्पे वड्डा टट्टू डड्डू 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 लाल लफड़ा डे डी डड्डू। नहीं नहीं, बड़ी दफा मेरे मुंह से ना गंदी चीजें निकल आती है। अच्छा, तू ये कह भाई अपना, मैं वो कहता कच्चा पपड़ पका पपड़, वो उसको छोड़ दे, वो नहीं कहना आपने, कहना है वड्डा पपड़ छोटी बोटी, छोटा पपड़ वड्डी बोटी, वड्डा पपड़ छोटी बोटी, वड्डा पपड़, वड्डा वड्डा आपको एंकर बनाया, किसने बनाया भाई? यानी ये बंदा ये सवाल पूरा करेगा तो मैं इंटरव्यू आगे करूंगा, वरना मैं जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ आपको, आप मुझे कह के दिखाओ पहले, वड्डा पोपड़ छोटी बोटी, छोटा पुपड़ वड्डी बोटी, वड्डा पुपड़ छोटी बोटी, छोटा पुपड़ वड्डी बोटी। ओए ओए ओए, बड़ा टाइम लागे के, चल मैं मान ली, लेकिन दोबारा कहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अच्छा मुझे पता, आपको कभी किसी ने गोदाम का आखिरी चूहा कहा कभी? नहीं नहीं, पहला क्या, जरा इंज खोल के फौरन निकल देना है वो का। अच्छा, तो वो आखिरी कौन था फिर? आखिरी वो आप है, जो बोरी चुको ना, लास्ट बोरी चुकी ओ थलो इंज करके निकलता सिर कट के, अपने लो लुकिया होंदा। अगर आखिरी बोरी ही ना चुकी जाए तो अच्छा नहीं। आपने कभी स्टेशन के चूहे देखे? स्टेशन के नहीं नहीं, मैंने देखे एडे एडे होंदे जिते बिल्ली झूठे लेंदी, उधर का मुंह है तो। हाँ। एक दफा मैंने आपको देखा था बस, उधर गए मुंह में तो मैनू वे के चूहे को। यार तू बंदा है कि यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मैनू है? अच्छा मुझे बताएं, मुझे एक दफा ने
लड़की ने ना एक लाइन कही थी, आपने मुझे उसका मतलब बताना है क्या उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? हाँ हाँ हाँ, तो लड़की केड़ी बेचारी होएगी, किदे नसीब सड़े ने जिन्हें तेनु कोई ना कोई लाइन कहती। अच्छा, मुझे उन्होंने कहा था कि मुझे आपको देखकर गुनाह करने को दिल करता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको देख के मुझे थप्पड़ मारने को दिल करता है और नहर में धक्का देने को दिल करता है, कोई आप पर गंदी चीज फेंकने को दिल करता है, तो ये होता है इसका मतलब। हाँ, यानी कतल करने को। हाँ, अच्छा अच्छा, ये यानी सही है, मैं तो उसको कुछ और समझ गया था। तू जो समझ रहे है ना वो सदियाँ चपेड़ा खाने वाला समझ। एक छोटा सा सेगमेंट है पिक्चर, ठीक है, मैं आपको ना कुछ लोगों की पिक्चर्स दिखाऊंगा, आपने उनके बारे में बताना है कि आपकी क्या राय है। ठीक है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये अमर लियाकत साहब है। जी जी जी, ये पहले ठीक थे, अब पता नहीं इनको क्या हो गया। क्या हो गया? डांस भी करते हैं, अब नागन भी बन जाते हैं, कुछ और बातें भी इनकी सामने आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा इनको क्या हुआ। नहीं, कुछ डॉक्टर को चेक कराना पड़ेगा, क्या वजह? डॉक्टर तो खुद भी कहते हैं मैं अपने आप में डॉक्टर हूँ, तो अपना चेकअप खुद कर लें तो शायद तो कुछ बेहतरी निकल आए। हो सकता। इनके बारे में आपका ख्याल, इन दोनों के बारे में? ये दोनों के बारे में आप भी जानते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। नहीं प्लीज, कुछ कह दें। बस अच्छे लग रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे इनके बारे में क्या कह लें, हरीमजादी जो है, सॉरी हरीम शाह जो, इनके बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहता। हरीम शाह को खुद भी समझ है और दूसरे जो देखते हैं इनको जानते हैं उनको भी ये समझ है ये क्या है और वो क्या है। नहीं बताया। नहीं नहीं, आगे इनके बारे में क्या ख्याल? ये मायरा खान। जी 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 जी, हाँ, ये बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है और पसंद है मुझे। तो कभी आप इन्हें मिले हैं? मुलाकात नहीं हुई, एक शो पे हुई थी लेकिन ज्यादा नहीं हुई। अब ज्यादा मुलाकात किस चीज को कहते हैं? मतलब बातचीत जिस तरह आपके साथ दिमाग खपाई कर रहा है इस तरह हो तो फिर ज्यादा मुलाकात होती। ठीक है ठीक है ठीक है, यानी आप चाह रहे हैं इनके साथ उस तरह से मुलाकात हो। हाँ, ज्यादा वाली मुलाकात। जी जी, ये एंकर हो और मैं आप। जरा भी शर्म नहीं आती। वजह? वैसे वजह इन्होंने नहीं शर्म आती, जेडे बेच आए जो तो शो बेस आए थे, फिर शर्म का दी इंटरव्यू करने से का दी शर्म है? मैंने दस दे शर्म वाली गल है तो तेन शर्म क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही क्योंकि वो मुझे मुंह चढ़ा रही है। आपको मुंह ऐसा ना, आपको तो बच्चे यूं करके भाग जाते हैं। हाँ, चलें 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 चलें। इनके बारे में आपका ख्याल? ये मीरा है, मीरा को इसके बारे में कुछ भी ख्याल नहीं बंदा रख सकता, पता नहीं इनका कब ख्याल बदल जाए। यानी वो ख्याल बदले, वो यानी वो आज आपको आपका अपना मियाँ कहती होंगी, कल को कहेंगे नहीं है मियाँ, कल कहेंगे छोटा भाई। हाँ हाँ हाँ, तो ये क्यों है? जिस तरह उनका दिमागी तवाजी दिमागन ठीक नहीं है। हाँ हाँ, तो आपको कभी मियाँ कहा इन्होंने? नहीं, मुझे भाई मियाँ कहती। भाई मियाँ? हाँ, मियाँ चुन्नू जो होता है। ओ मियाँ, वो मियाँ। हाँ वो, नहीं नहीं सही है सही है। इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको पता कौन है ये? ये नहीं, मुझे नहीं पता। ये आयशा है, वो रैम्बो है, ये टिकटॉकर जो के अच्छा जी किनारे पाकिस्तान मशहूर हुए थे, जो आपकी तरह बाद में कहता मेरी तो बहन थी। हाँ यस यस, और ये कहती हैं ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको इस तस्वीर में लग रहा है ये इन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? वो खुद ब्लैक है ना। हाँ, तो वो पीछे मेल है। हाँ, तो ब्लैकमेल हो गया। यस, ये बात है, ये। आप बात को समझते नहीं। अब समझ आई। तड़ा सज्जा पासा केड़ा? जो सज्जा वो वाला नहीं, वो आप बताए ना कौन सा? या तो ये होगा या ये होगा। नहीं, एक बताए ना मुझे कन्फर्म। मेरा ख्याल है ये। हाँ, तो इधर ही थप्पड़ पाएगा, मेरा खब्बा पाएगा ना। हाँ, हाँ, तो फिर वो बराबर हो जाएगा। चलें बात। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनके बारे में क्या ख्याल है? इन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिया था, ये वो बहुत ही गलत हरकत की और नहायत ही अननोन लोगों वाली बात की। ये इसमें मुझे कोई, जितना मैं इनको समझता था फनकार आदमी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल नहीं है फनकार, क्योंकि इनको आम बंदे के बारे में बात कर लेते, मेरे बारे में कर लेते, आपके बारे में कर लेते, तो जिस हस्ती के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ वो की हुई है, बहुत ही नाजेबा बात है और मुझे इस पर बहुत दुख हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ आप इन्हें भी कोई कोफ्ता या कुछ ऐसा कह कर दिखाएं। वो मैंने इनके मुंह पर कहा हुआ है। प्लीज क्या दें, ये इनका मुंह है तो इन कह दें। एदा मुंह इन जी जिवें फुटबॉल ने मुछा रखी है। नसीब चाहते और मुँह है जिमें चंदे वाला गला होंगे। जी जी, इनका मुँह ऐसे जैसे जलावा कोफ्ता होता है। जिमें कन्ना वाला घिया होंगे। जैसे ना छोड़ दो और मुँह ऐसे लगाई जिमें बंदा ना कोई
इट ते ऐनक रख के आप वजू करने गए और जिस ने मुंह खोला हुआ है मुंह नहीं खुले जो मैं नाल तेन कहता मैं भी बुरकी खुआ लोग बाजू से टैटू बनवा देने शर्ट से बनवाया यह पहलवान बिला मुकाबला हार जाते नहीं नहीं अच्छा अच्छा थैंक यू इनके इनको भी दो थोड़ी जुगते मारने वाली इनको तो मेरा ख्याल में इनसे माफी मांगनी चाहिए इनको जुगत नहीं मारनी चाहिए बस बस नहीं इन्हें माफी मांगनी चाहिए या इनसे माफी इनसे माफी मांगनी चाहिए कि भाई माफ कर दो आपने 92 का वर्ल्ड कप हमें दे दिया अब उसकी कीमत अदा हो गई है अब आप मजा करें और जाएं अपने घर को अच्छा नहीं वो खुश हो रहे हैं वो तो खुश हो ही रहे हैं आवाम को जो सताता है जो तंग करता है जो उसका मजा लेता है वो तो खुश ही होता है हाँ मैंने सुना पेट्रोल और बढ़ है तो तू तो अपने आप नो डीजल ते करा लो डीजल भी बढ़ गया वो भी बढ़ गया हाँ। ते मिट्टी दे तेल ते करा लो नहीं वो भी बढ़ गया तो पीछे सिलेंडर लो आलो नहीं वो भी बढ़ गया वो भी बढ़ गया हाँ। फिर तुसी मर जाओ नहीं नहीं दफा हो जाओ इन्हें दे कहन वांगो उन्होंने यही कह के असल सुकून तो कब्र में ही है मैंने सुना है वो ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां बड़ी आ गई हैं वो अच्छी हैं तो अगर मैं बिजली पे करा लूं अपने आप नहीं नहीं आप सोलर पावर करवा लें मुझे याद आ गया बिजली भी महंगी होगी हाँ सोलर लगवा लें आपको लोग सोलर पागल कहेंगे हो सकता है सोलर पागल धूप का पागल धूप तू तो वो धूप पे भी टैक्स लग गया फिर क्या करेंगे हाँ ये भी सोचने वाली बात है जिस तरह ये चल रहे हैं इस तरह तो हर चीज पे टैक्स चलेगा बात वही आ गई है खामोशी है ना घबराना नहीं है घबराना नहीं है चुप करके तो भुखे सो जाओ तो भुखे उठ जाओ घबराना नहीं है इनके बारे में आपका क्या है ख्याल ये 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 आपको ने शक्ल देख कर पहचान सकते हैं ये कौन कौन है मेरा ख्याल है ये सारी तस्वीरें आपकी हैं एक बचपन की एक जवानी की है एक मेरा ख्याल थोड़ा सा एजेट हुए थे उस वक्त और एक अब की है नहीं 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 ये फ़र्क है इनमें से एक मच्छर है एक मक्खी है और एक ड्रैगन फ्लाई है और एक और कोई है तो आप नहीं पहचान सकते कौन सा कौन है ये मच्छर है मेरा ख्याल हाँ नहीं ये मक्खी लग रही है जी मक्खर ये मच्छर है ये मच्छर है हाँ और वो ड्रैगन फ्लाई है बल्कि वो जो होती है उसको कहते हैं ग्रास ऊपर हाँ हाँ और वो नहीं मुझे समझ आ रही वो आप ही हैं बस हाँ। आपकी फैमिली है मैं चले छोड़े इन सबको पहचानने की कोशिश करें और यार एक फनकार ने कोई स्टार ने जिन्होंने मैं पहचाना कितने जानवर है जो मैं जंगल का बंदा रहने वाला मैं कोई मतलब केड़े समालिया चो आया ये कि मतलब कोई इन्होंने मैं किवें पहचाना मुझे लगा आप कीड़ों की शक्ल पहचान सकते हैं उनको पता होगा आपको कौन बहुत अच्छे मैं कीड़ियों की दवाई बेचना हूँ ताकि मैंने सारे कीड़ों का पता अच्छा यार बंदा होर को लिया अच्छा, चले, 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 चले। ले। इनके बता दें कौन है यहाँ मेरे मालिक कितने फंस गया मैं अच्छा नहीं आप पहचान सकते यार कोई होर ले आगे अच्छा, नहीं, नहीं, बस है नहीं नहीं ये इतनी मशहूर हस्तियां थी जो आपको नहीं पता चले अच्छा ये इसको मैंने पहचान लिया ये जो हाँ ये बहुत बड़ा ना होस्ट है बहुत बड़ा हाँ हाँ डेंगी है डेंगी का मेरा ख्याल सांडू है मुझे बताएं लोग आपसे उसी तरह मुतासर होते हैं जैसा सैलाब से होते हैं कि नहीं सैलाब से मतलब क्या मैं उनका सामान रेड़ के ले जाता हूँ या उनकी भैंसें मेरी कॉमेडी में गोते खा रही होती हैं या उनकी पेटियाँ उनकी चारपाई हैं उनके बिस्तरे तैर रहे होते मेरी कॉमेडी में जो सैलाब की तरह मुझसे मुतासर होंगे मेटाफोरिकली था ना कि उसी तरह का उसी तरह यार सैलाब से कौन मुतासर होता है बंदा तेन पूछे मैं तेन कोई चीज़ है तो मारन वाली और सैलाब तो कोई बंदा मुतासर होता है वो तो डिस्टर्ब होते ने बंदे यार अच्छा वो नहीं होते नहीं वो खबरों में बताते हैं ना इतने लोग सैलाब से मुतासर हो गए वो मुतासर और होता है अच्छा, वो मुतमईन होना नहीं होता अच्छा अच्छा सॉरी मुझे नहीं इतना पता था तुझे पता नहीं तो तुझे बनाया किसने इधर बिठाया किसने मैं खुद ही बैठ गया था किस तरह के चपेड़ा खाने वाले हैं तेन मैं कितनी बार समझाया तो कोई होर काम कर ले तेरी मेहरबानी किस्तों पे कहाँ से चपेड़े मिलती है बार है एक दुकान उन्होंने जाके अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवाना किस्तों से उन्होंने तेन चपेड़ा मारना आधी आधी चपेड़ा भी आधी नहीं नहीं पांच एक बारी अगर किस्त शार्ट हुई तो अगली बारी दस नहीं 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 जो मतलब शार्ट किवें होंगे
अगर ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਚਪੇੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਾਰੋ ਪੰਜ ਉਹ ਪੰਜ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਪੜਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕਾ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਥਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਨਾ ਇੱਕ ਨਈ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਆਪਕੋ ਵੀ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਕਾ ਹੱਥ ਆਪ ਮੇ ਹੈ। जी बिल्कुल सही है, जो टेलीविज़न पे जब मैं आया हूँ तो उसमें आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान में एक आदमी है अपने काम के, मतलब वो जो काम वो करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं और जो बहुत अच्छा करते हैं वही काम वो करते हैं। नहीं मैंने सुने आफ्ताब साहब को ना काफ़ी ना कॉमेडियंस पसंद नहीं करते जो जो भी उनके साथ काम करते, शायद उनकी सख्ती की वजह। अच्छा, ये बात मैं कसम भाई क्या वजह आपको ये बात बताऊँ, कोई पसंद भी नहीं करते और सभी उनके साथ काम करना भी चाहते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि उनके हाथ से निकलने के बाद बंदे की पहचान बन जाती है। काफ़ी हमारे दोस्त ऐसे हैं, जब हमने स्टार्ट किया ना प्रोग्राम खबरनाक तो उसमें काफ़ी लोग चाहतमंद थे, वो रोज़ाना उधर आया भी करते थे, बैठा भी करते थे, फिर वो पीछे बैठते रहे, फिर वो आगे बैठते रहे, दो दो महीने खामोश बैठ के वो शो देखते रहे, तो फिर वो आगे निकले, निकलते 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 आज वो सुपरस्टार बन के अलग से शो कर रहे हैं सबके सब। और ये आफ्ताब इकबाल साहब की एक, मैं समझता हूँ उनका तैयार किए हुए ये बंदे हैं जिनकी पहचान बनी। और आफ्ताब इकबाल साहब अपने काम के, मैं पहले भी कह चुका हूँ अब भी कहता हूँ कि अपने काम के वो एक हैं। तो मुझे बताएं इतने लोग कॉमेडियन आफ्ताब साहब को फिर छोड़ क्यों देते हैं? ये कुछ बातें होती हैं, कुछ की टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब वो टाइम वो बहुत तसल्ली से काम करते हैं, वो काम करते हैं रात को, दिल करे कि आपको मतलब मन में आया दिल में आया वो आपको 2 बजे बुलवा लिया, आप ख़ुद वो 9 बजे आ रहे हैं 10 बजे आ रहे हैं, वहाँ से काम किया फिर सारी रात काम करते रहे। अब जो बंदा 2 बजे का गया वहाँ पे पहुँचा हुआ 9 बजे तक बैठ बैठ के, उसकी वो सलाहियत नहीं रहती, उसका वो फ्रेशनेस नहीं रहती, दिमाग में वो आमद नहीं रहती। कॉमेडी है ना जो दिमाग का काम है, जब फ्रेश होगा फिर वो काम निकलेगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर वो तंग आके कहेंगे भाई जान प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। फिर उनके साथ ये भी सलूक होता है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आमद किधर है आपकी, किसने आपको काम सिखाया है, तो ये बातें थोड़ी सी इरीटेट करती हैं। तो फिर वो कुछ लोग तो बर्दाश्त कर जाते हैं तो कुछ लोग भाग जाते हैं, जो बर्दाश्त कर जाते हैं वो स्टार बन जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो बेचारे बीच में रह जाते हैं। तो आपकी बर्दाश्त की कब हद हुई थी? मेरी बर्दाश्त की हद तब हुई थी जब अमानुल्लाह साहब के साथ थोड़ा सा रवैया उनका था, तो मैं उनके वजह से उनको कहता था भाई जान हमारे सीनियर हैं प्लीज़ आप, लेकिन उन्होंने मेरे कहने पे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत भी की और प्यार भी किया। तो फिर दूसरी बात मैं ये समझता हूँ जितना रिस्क आपका किसी के साथ लिखा है उतना ही मिलेगा, बाकी तो सब ये बहाने बनते हैं कि इस तरह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं भी ये समझता हूँ। ज़बरदस्त, नहीं नहीं बड़ी अच्छी बात की आपने, ठीक है। तो ना इसी के साथ ही ना ठीक है शो का करते हैं एंड, ठीक है एंड पे लोगों को ना मैसेज दे दें जो कि घबराए हुए हैं ठीक है महंगाई से, तो लोगों को कह दें कि घबराना नहीं है महंगाई और बढ़ेगी। जी देखने वालों को सबसे पहले मोहब्बत भरा सलाम फिर जाते हुए कर रहा हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई बढ़ती रहे कम होती रहे, हमें अपने मुल्क की सलामती चाहिए, इसके लिए दुआ करनी चाहिए, ये नहीं तो कोई और अच्छा आ जाए, वो नहीं तो कोई और अच्छा आ जाए, हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छा आ जाए तो हमारी बेहतरी इसी में है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। MYK न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारा ये जो होस्ट कासम भाई हमारा बहुत मोहब्बत वाला भाई है और दोस्त भी है, और इसके साथ मिलकर एक और ही मज़ा बन जाता है। आप भी देखते होंगे जितने लोगों के साथ ये शो करते हैं, काफ़ी लोग जो शो होते हैं उनसे हटकर होता है, तो हमारा खुद भी बड़ा दिल लगता है इसमें। आप भी इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुँचाएँ, और कासम भाई को बता दें कि आप लोग हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच आने का, इसी के साथ ही आज का शो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।